के भी पहले कानों तक आवाज जाए और इस देश के जन जन को पता चले कि ये देश गांधी का देश है, अहिंसा का देश है, और इस देश में कोई पार्टी हत्या के आधार पर लोगों की जुबान बंद करने में लगे, ये हम सभी देशवासियों के लिए कैसा पल है। देशवासी सोच समझे लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और वो सीपीएम के ऑफिस तक जाएंगे, जो यहाँ वीर सिंह मार्ग पर गोल्डा खाना के पास है। लगभग उनकी यात्रा 2.25 किलोमीटर की होगी और कि आप सब भी ऐसी हत्या की राजनीति करने वाले लोगों के उस चरित्र को देश के लोगों को बताइए, क्या हमारे देश में ऐसा चलेगा। तो जब तक केरल में यात्रा चलेगी, हम दिल्ली में भी प्रतिदिन यात्रा निकालेंगे। कल यात्रा हमारी यहाँ 14 फरवरी से शुरू होगी और वीर सिंह मार्ग पर सीपीएम के ऑफिस जाएगी और अगले दिन किसी और जगह से आएगी, जो हर दिन हम आपको बताते रहेंगे ताकि कोई ये न सोचे कि हम किसी के यहाँ अचानक पहुंचे। हमारा उद्देश्य है जन रक्षा यात्रा, हमें सबकी रक्षा का अधिकार है तो हमें हमारी रक्षा का भी अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना केरल में हत्या के लिए तो नहीं बना, इस देश में कानून है और लोगों के अंदर तक की आवाज जानी चाहिए कि सरकार समर्थित ऐसी हत्याएं कैसे हो सकती है। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली में भी एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पदयात्रा करेंगे, यहाँ की शुरुआत के लगभग 3-4 दिन बाद वो आएंगे। एग्जैक्टली किसी का प्रतिनिधि एक तरफ तो कर भाड़ा पड़ता क्या आता है और दूसरी तरफ आके उसका विरोध करता है, ये हमारी समझ के बाहर। दोनों साल पे मेट्रो का भाड़ा बढ़े या न बढ़े इसकी समीक्षा होनी चाहिए। यहाँ ये 4-5 महीने के अंदर इस तरह की बातें आना ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। ये टोटल आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, उसका वो एक तरफ तो भाड़ा बढ़वा भी रही है और दूसरे तरफ से अपना फेस सेविंग करने में लगी है। शायद उसका चरित्र भी यही है जो पीछे से हम लोगों ने देखा। देखिए, चाहे सब्सिडी देनी पड़े या जो भी करना पड़े, दिल्ली में इस समय मेट्रो का किराया नहीं बढ़ना चाहिए, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। आप देखिए, तो इनको ये भी डर है कि कहीं पब्लिक रोड पे आएगी बसें नहीं होंगी तो आक्रोश बढ़ेगा। हाँ, ये मैंने एक लाइन में कही, आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार एक ऐसा नाटक कर रही है जिसमें वो खुद ही उसका उसके नाटक का पर्दाफाश हो चुका है। उसको ये भी डर है कि जब लोग अगर कहीं बड़े भाड़ा के कारण मेट्रो से हटे तो इतने 2.5 साल के बाद भी दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के कोई काम तो किया नहीं। तो जैसे ही थोड़ी सी संख्या बढ़ेगी इनकी बाकी जो व्यवस्था है वो उसके भी फोन खुल जाएगा। देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से हर वो कार्य करेगी जिससे हम इसका विरोध कर सकते हैं। हम ये भारतीय से भी मिल रहे हैं, हम जो यूटी मिनिस्टर है उनसे भी मिलने जा रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी को भी मिलने जाएंगे। हमने कहा आपको जितनी राजनीति नाटक करना हो करो, दिल्ली के मेट्रो का बढ़ाया अभी नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि हाल ही में बढ़ा। कौन बोला? हाँ, तो डीएमआरसी तो ये भी कह रही है ना भाई, डीएमआरसी ने जो कहा है आपको भी पता चल चुका है कि जब एक वो मीटिंग में बैठ के पास कर दिए कि भाड़ा बढ़ेगा और अलग से फिर कहेंगे कि भाड़ा नहीं बढ़ेगा, तो जो उन्होंने वहां डिसीजन दे के आए उस पे वो आगे जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं।
पर हम अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी नाटक कर रही है उसका भी पर्दाफाश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम दिल्ली मेट्रो का किराया न बढ़े। नहीं, जब वो आएंगे तो आप इस समय उनको उनसे बात कर लीजिएगा। अब तो आज हम बात कर रहे हैं, कल सवेरे वो आपके समक्ष होगी। मेरी आपसे मिलने का उपाय उद्देश्य ये है कि आप लोग भी हमारे केरल के लोगों की इस दर्द को देश के कोने कोने तक पहुंचा दें। चलिए, अभी तो हम दर्द बता रहे हैं, फिर आगे वो भी बढ़ते हैं।